हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। और भाई एक हफ्ते बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। आप लोगों ने भी मुझे याद किया होगा। और आज हमारा मूड है भाई सीवीओ जाने का। सीवीओ पे जाके भुट्टा वगैरह खाएंगे, तो मसाले वाला भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है बाद में। और देख लेते हैं भाई, जो दोस्त आते हैं वैसे तो सारे टोपी करा रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं आ जाएगा कोई तो उठा लेंगे किसी को। और मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है इस वक्त। तो भाई सीन कुछ यूं है कि मुझे जाना था मनोरा या कहीं जगह पे, क्योंकि भाई मौसम बहुत अच्छा है और बीच पे जाने का बड़ा मन। भाई मौसम बड़ा टाइट है और इसी मौसम में जाया जाता है बीच, लेकिन भाई कोई चलने वाला ही नहीं था। और मेरे को ऑक्स में जाना था, मैं तो बाइक पे चल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं है ना यार कि सेफ है कि नहीं है। तो फिलहाल तो हम लोग सीवीओ जा रहे हैं और बीच का देखेंगे, कोई प्लान बनाएंगे जब बंदे अवेलेबल होंगे ज़्यादा। क्योंकि यार मैं जा रहा था अकेले बाइक पर, और ऐसा ना हो ना, आपको पता है ना, कोई सेफ रास्ता ना और खाली वापस आऊँ। तो भाई सबसे पहले हम लोग डलवा लेते हैं पेट्रोल, और ये हम लोग पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। तो भाई पेट्रोल हम लोग पहले डलवा लेते हैं और यहाँ पे पेट्रोल डल लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं सीवीओ। तो बीच में बंद है, तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे रास्ते से जो शायद ट्रैक की तरफ से निकलता है पीछे से, क्योंकि बीच में आ गया बंदा पता नहीं किस वजह से। चलो वहीं से चलते, अब हम जा रहे हैं वहाँ पीछे की तरफ राइट पे ले। ये देखो सारा ग्रीनरी भाई, ये कराची भी इस्लामाबाद से कम नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। आप लोग बोलते हो ना यार, आप लोगों ने कराची भी एक्सप्लोर कहाँ किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें कराची में दिखाऊंगा ना, इस्लामाबाद से कम नहीं है। बस आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, ये चेक कर रहे हो। हाँ ये कोई कराची से बाहर नहीं आया, मैं कराची के अंदर ही जगह है और ये सीवीओ के करीब ही है। और बाल थोड़े हवा की वजह से अजीब से हो गए, लेकिन खैर है। सब्सक्राइब करो और भी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो भाई हम सीवीओ जा रहे थे और गाड़ी पलट गई है किसी की, एक्सीडेंट हुआ है ऐसे। और अभी हम लोग ईमार पे थे और यहाँ पे यार गाड़ी बहुत स्पीडिंग कर रही थी, एक टायर बार आ गया गाड़ी का और पीछे वाले टायर बार इतनी पलटते हुए गई कि भाई गाड़ी कल्टी हो गई। अभी यहाँ से देखिए वो गाड़ी जो है ना कल्टी हो चुकी पूरी, और हम देखने गए थे गाड़ी के तो भाई चूड़े चूड़े बाहर आ गए, कुछ भी नहीं बचा अंदर। लेकिन बंदे को एक खरोच भी नहीं आई, किसी बंदे को नहीं आई, लगी सबको जाके, लेकिन एक बंदे को खरोच। गाड़ी पूरी उल्टी हुई है और लट्टू की तरह घूम गई है, पर फिर भी सब सेफ है, अल्लाह का शुक्र है। सारी ऑटो शो वाली हम लोग कब की कवर कर चुके हैं। तो भाई सीवीओ की बजाय हम लोग ट्रैक पे रुक गए थे थोड़ी देर, और अभी हम लोग भुट्टा बनवा रहे हैं, हमारा भुट्टा हो रहा है तैयार। और रश बहुत ज़्यादा है भाई सीवीओ पे, बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो ये भुट्टे तैयार हो रहे हैं, भुट्टा हो चुका है तैयार, मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा रश था और इतना खास मज़ा नहीं आया कुछ। हम लोग आएंगे कोई आम दिन में जब इतना रश नहीं होगा। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी नमाज पढ़ने, क्योंकि नमाज सबसे पहले ना, मगरिब की नमाज होने वाली है, सबसे पहले हम लोग नमाज। तो भाई हम लोग ने नमाज पढ़ ली, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, कुछ खाने के लिए लेते हैं फिर चलते हैं घर पे। विथ फ्राइज है और दो पेप्सी। खाना हमारा आ चुका है और हमने मंगवाया यहाँ पे बेम्पी रोल बिलार ग्रोथ से, और ये बहुत बड़ा टाइट इसका रोल है, शावरमा टाइट।
कभी आप आओ तो ट्राई करके देखना। हाँ तो भाई खा पी के हम लोग हो गए हैं फारिग और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और बस हम लोग खुश ही वाले हैं, घर पे खाना बड़ा मज़ेदार था और भाई मज़ा आ गया सब घूम के। तो भाई अभी अभी चार महल चढ़ा और दोस्त की कॉल आती है, भाई चाहिए कि होटल पे बैठे रहे सब और आ जाओ, तो वापस नहीं छोड़ता रहा और अब चलते हैं चाय की होटल पे दोस्तों। भाई चाय की होटल से आ गया हूँ और रोटी लेनी थी, इसके लिए पैसे नहीं बचे थे तो इबाद को पैसे दे रहा हूँ तो लेके आए। इबाद ये पकड़, सही है। तो भाई हाथ मुंह वगैरह हम लोग धो लिया है और अब हम लोग पहले खाना खा लेते हैं। और खाने में है भाई निहारी निहारी और रोटी, और बाकी इसको हम लोग मिर्चों के साथ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। मज़ेदार, एक तो इसका ये फ़ोन बंद नहीं होता खाना खाते। तो भाई खाना वाना खा के हम लोग हो चुके हैं फारिग और अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं, रात भी बहुत हो चुकी है और भाई मज़ा बड़ा आया हमें सी व्यू पे, हम लोगों ने भाई मज़े वज़े किए और सी व्यू से ज़्यादा तफरी हमें वहाँ पे आई भाई, कहाँ गए थे, हाँ ट्रैक पे जो पीछे से हम लोग डिफेंस से निकले थे ना, जो ट्रैक पे हम लोगों ने भाई मस्तियाँ की हैं और वो जो गाड़ियाँ रेस लगा रही थी, मज़ा आ गया भाई ट्रैक पे। दूसरा फिर सी व्यू जाते हुए यार वो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सही है उसमें कोई किसी को कुछ लगा नहीं। तो भाई अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। ओके फिर।